Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to pick up a lesson related to reading of IELTS. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रीडिंग के IELTS में. कुछ बच्चे कहते हैं मैम टाइम नहीं मैनेज हो रहा. कुछ कहते हैं कि मैम आंसर मेरे को पता चल जाता है कहाँ पे है, बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ करेक्ट आंसर. उसको लोकेट नहीं कर पाते ढंग से और उस वजह से उनका टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट हाउ टू सॉल्व रीडिंग इन जस्ट 10 to 15 minutes. अगर आप रीडिंग को जितनी जल्दी करोगे ना, अभी ये मैम डोंट टेक इट द अदर वे कि मैंने आपको बोला है कि रीडिंग को देखो ही मत और ख़त्म कर दो. नो, आई मीन टू से द मोर यू आर फास्ट द बेटर द स्कोर इज. बहुत स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन. नाउ वन थिंग आई वुड बी वेरी क्लियर विद यू, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन 80% द आंसर गोज रॉन्ग बिकॉज टू डीप अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है. इट इज ओनली द सर्फेस लेवल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. तभी तो उन्होंने क्या करा है, व्हाट इज द टेक्निक दे हैव डन, 40 questions 60 minutes. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मींस द रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव. एंड व्हेन द रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव, व्हाई योर टेक्निक इज सब्जेक्टिव? यू गोइंग टू डीप इनटू इट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आंसर्स. दैट इज नंबर वन टेक्निक आई वुड लाइक टू टेल यू इज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग tip and a trick that you have to find the answer in a first go. Pehli bari mein answer dhoondo. The first point is, what you should do is, number one, you should learn how to underline the reading. Reading bacche kaise underline karte hain? अब इतनी रीडिंग अगर ऐसे अंडरलाइन हो जाएगी, इफ द रीडिंग इज अंडरलाइन लाइक दिस, हाउ कैन यू फाइंड एन आंसर? यू विल थिंक दैट एवरी वर्ड दैट यू अंडरलाइन इज एन आंसर. होगा क्या, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल. टाइम एंड अगेन यू विल गो ऑन रीडिंग व्हाट हैव यू अंडरलाइंड. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. योर अंडरलाइनिंग टेक्निक शुड बी लाइक दिस. आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव not to go wrong in the finding the answers. Do it like this, very small, do it like this, cross. These are the signs. These are the index and the signs. You make it for your convenience. ये wrong का मतलब है कि मुझे इसको दोबारा देखना ही नहीं है, इसमें आंसर नहीं है. ये है मैं थोड़ा डबल माइंडेड हूँ, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड कि आंसर है कि नहीं है. इसका मतलब मैं इसको सेकेंड टाइम देख सकती हूँ. थर्ड कम्स इज डॉट. दिस मींस दैट आंसर आई हैव गॉट इट इन टू पैराग्राफ्स. आप ये नहीं, आप कुछ भी इंडेक्स बना लीजिए. यू मेक एनी ऑफ द इंडेक्स, एनी ऑफ द साइंस ऑफ योर चॉइस. दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. आप इस तरह से इंडेक्स बनाओ और सोच के बनाओ कि दिस इज द वे आई हैव टू लिंक एंड लोकेट द आंसर. तब आपकी ये कंप्लेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी. यू ऑल केम विद अ कंप्लेंट दैट मैम इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो वेयर इज द आंसर. मुझे पता है आंसर कहाँ पे है, मैंने लिंक भी कर लिया और लोकेट नहीं हुआ मेरे से. अगर लोकेट हो गया तो मैं उसको प्रॉपरली लिंक नहीं कर पाया. नाउ दिस मेक्स रियली नो सेंस. इफ यू आर एबल टू लिंक देन द लोकेट कम्स ऑटोमेटिकली. लोकेशन यू विल फाइंड इट आउट. And if you find out the location, the answer is going to be quite correct. What you have to do is, you have to be a little careful about the technique you apply in underlining the readings. Don't miss the reading. Underline it where required. And put the signs. After putting up the signs, then you can always come up with the correction of your answer. You can answer the question and then even after answering, you can give it a second thought when you complete your reading.
Now you have to remember one thing, your reading passage should not exceed the time period that is 15 minutes. You have to give 15, 15 and 20. Total 50 minutes mein khatam karna hai. And I am here discussing only about one passage. I am discussing about the technique how to mark the readings. Now when you have marked the readings, what you got to do is 15 minutes, okay fine, you have marked the readings and you have got the answers done also. Then the best part of your success is going to be your number of correct question is going to be your speed. Remember one thing, the slow you are, the wrong you are. जितना आप धीरे चल रहे हो उसमें रीडिंग में खप रहे हो, रीडिंग में आप इरिटेट हो रहे हो और रीडिंग को आप देख देख के कह रहे हो कि व्हाट इज दिस, उतना स्कोर नहीं आएगा. यू हैव टू बी वेरी फ्रेश माइंड, जस्ट पिक अप अ पेंसिल एंड जस्ट डू स्किम एंड स्कैन. एक दिन जस्ट ट्रस्ट मी, वन रीडिंग यू डू जस्ट विद अ वेरी फ्रेश माइंड, वेरी फ्रेश माइंड, नॉट टेकिंग इट एज अ बर्डन. And do your underlining correct. आप अपनी reading की underlinings correct कर लो and I'm very very sure you will find the answers to be very very fast. The answers will not be wrong. आपने करी होगी readings, आप देखते हो कि जो answer आप पहली बार करते हो वो correct होता है, दूसरी बार वो answer करते हो वो गलत हो जाता है. क्यों गलत होता है? क्योंकि आप उसमें अपना logic लगा रहे हो. You are implying your logic which is not required. Logic, your independent logic is not required. This is not task 2. The only thing that is required, you simply answer what is asked to you. You don't have to be beating the bush, beating around the bush, going upside, downside, flicking the pages and finding the answers. What's the point? Today my only lesson is going to be for you is try to learn how to mark the reading when you are doing the reading. Please, it is a very important trick which is always ignored. Students, they just ignore it, they pick up a pencil and they just mark the readings. Marking the readings will not give you an answer. Number one, you should know how to mark with the index. Secondly, you underline the keywords, and sometimes when you underline the keywords, try to underline it in the passage as well. Same cheez apnao. Jaise aapne passage mein keyword aise kar ki mujhe lag raha hai do jagah answer hai, usko bhi aise kar do question. Index hai, your mind has to decode, and when your mind will decode, you will automatically find an answer. And believe me, that answer will be a correct answer. Is it okay? This is a technique how to mark the answers before finding the answers. Sara kuch mark karke answer to mila nahi. Now if you have seen, if you have found an answer in paragraph A, ab paragraph A mein ye mere ko answer mil gaya, maine underline kiya, iske upar maine likh diya question number 31. कि ये 31 का आंसर है. दिस इज नोन एज अ मास्टर की. नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ मास्टर की ऑफ द रीडिंग सो योर आंसर्स नेवर गो रॉन्ग. फॉर टुडेज लेसन जस्ट ओनली ट्राई टू प्रैक्टिस हाउ टू मेक इंडेक्स इन योर माइंड कि रीडिंग को अंडरलाइन कैसे करना है. फर्स्ट स्टेप है रीडिंग का, पहले आप उसको ठीक से अंडरलाइन करो, फिर आपको आंसर मिलेगा. आई थिंक it is quite clear, and in my next video I'll be solving the query related to making a master key of the readings. Thank you so much. Stay blessed. Have a good day.